बात करेंगे फेशियल। जब करते हैं हम तो प्रेशर पॉइंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेशियल जब हम करते हैं तो सिर्फ एक मसाज करना नहीं होता। मसाज तो हम खुद भी कर लेते हैं, अगर हम मान लो किसी और से फेशियल ना करवाएं और हम ये सोचें कि घर पे खुद ही क्लीन अप कर लेते हैं फेशियल किट से, दो दो पांच पांच मिनट मसाज कर लेते हैं, लेकिन खुद से जब हम मसाज करते हैं तो हमारे हाथ वैसे नहीं चल पाते जैसा दूसरा कर पाता है ना। तो जब तक आप प्रेशर पॉइंट नहीं प्रेस करके करोगे तो जो अंदर का इंटरनली ब्लड सर्कुलेशन होता है, या फिर इंसान आजकल क्या है कि हर कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है, हर किसी को किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, डिप्रेस रहता है ना, तो वो फेशियल करवाने के लिए क्यों जाता है क्लाइंट? ताकि उसको रिलैक्स मिल सके, है ना, स्किन को रिलैक्स मिल सके, फेस को रिलैक्स मिल सके, उसके माइंड को रिलैक्स मिल सके। तो एक तरह से ये रिलैक्शन थेरेपी भी बोल सकते हैं इसको, जिस चीज से माइंड को रिलैक्स मिले वो थेरेपी होगी। ठीक, तो फेशियल जब हम करते हैं तो कभी भी सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे जब भी कोई क्रीम हम लेते हैं फेस के ऊपर लगाते हैं तो हमेशा हमें क्रीम को सबसे पहले अपने फिंगर टिप पे रखना चाहिए, उसके बाद हमें पूरी स्किन के ऊपर डॉट डॉट करके उसको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं जब फेशियल करेंगे तो अगर किसी का मान लो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड क्या होता है, गले में होता है ना यहाँ पे, तो जिनको थायराइड होता है उनके सूजन हो जाती है यहाँ पे, ये वाला एरिया सूज जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम मसाज स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से इस टाइप से मसाज करेंगे नेक एरिया पे, और जब किसी को नॉर्मल मसाज करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मसाज करते हैं। और जब भी मसाज करें तो कभी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, आवाज बड़ी आती है उनकी, ऐसे ऐसे देखा होगा करते हैं ना, ऐसे फेस के ऊपर भी करते हैं, बिल्कुल भी बिल्कुल स्मूथली यू यू बिल्कुल यू आवाज नहीं आनी चाहिए। मसाज करोगे तो हल्का हल्का प्रेस करके और इस टाइप से स्ट्रेचिंग करके ऊपर की तरफ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चिन, मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे चिन के ऊपर, चिन के ऊपर मसाज करेंगे। इसमें हम क्रिस क्रॉस करके मसाज कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं फिंगर से इस टाइप से। इससे क्या होगा, ये जो हमारी जो लाइन होती है बीच की हड्डी जो होती है जिसको मैंडिबल बोन बोलते हैं, जो बोन होती है जो, तो इस पे जब हम प्रेस करके मसाज करते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट भी दबते हैं साथ के साथ ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, इससे मसाज करेंगे। उसके बाद इसके बाद आएंगे चिक्स के ऊपर, चिक्स के ऊपर कैसे करेंगे, सर्कुलर मोशन में करेंगे इस टाइप से, कभी भी डाउनवर्ड नहीं करेंगे इस टाइप से। कई बच्चों को नहीं पता होता, जैसे मान लो जिनकी प्रैक्टिस नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है, घर पे भी करते हैं वो इस टाइप से भी मसाज करने लगते हैं, कभी भी नीचे की साइड नहीं करेंगे, हमेशा कैसे करेंगे ऊपर की साइड। नीचे की साइड करोगे तो क्या होगा, स्किन हमारी लूज हो जाएगी नीचे की साइड, और ऊपर करते हैं तो स्किन हमारी लिफ्ट होती है, टाइट होती है। ठीक है, चिक्स के बाद हम कहाँ आते हैं, हमारे जो है फोरहेड के ऊपर आ जाते हैं, और हाथ हमें उठाना नहीं है, ये ध्यान रखो, यहाँ से हम यहाँ आए चिन के ऊपर आए, ठीक है, हाथ उठाया नहीं, चिन से हम डायरेक्ट आगे चिन के चिक्स के ऊपर, हाथ नहीं उठाना, हाथ रखे रखे हम आएंगे फोरहेड के ऊपर। ठीक है, फोरहेड के ऊपर हम सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रबिंग कर सकते हैं, वो जैसे हमारा कंफर्टेबल हाथ चलता है वैसे कर सकते हैं, हाथ नहीं उठाना, हाथ रखे रखे हमें आईज के ऊपर सर्कुलर मोशन में इस टाइप साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तीन बार क्लॉकवाइज करते हैं तो तीन बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, रखे रखे फिर हमें आता है नोज के ऊपर, नोज के ऊपर आप फिंगर से कर सकते हो, नोज के साइड में जो जगह होती है उसके बाद आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो, ठीक, उसके बाद हाथ फिर भी नहीं उठाना, अगर हमें लगता है कि क्रीम हमारे सारे अब्जॉर्ब होगी और हमें थोड़ा सा पानी चाहिए हाथ पे, थोड़ा सा गीला हाथ करना है तो हमें ज्यादा गीला हाथ नहीं करना कि जो है क्रीम है वो ज्यादा ही मेल्ट हो जाए, हमें हल्का सा पानी लेना है ताकि बस हमारा हाथ स्मूथली चल सके, ज्यादा पानी लेके हमें मसाज कभी भी नहीं करने चाहिए। और कई क्रीम तो ऐसी होती है जिनके अंदर पानी लेना ही नहीं होता, सिर्फ हमें क्रीम को ही मसाज करनी है और उसी को एब्जॉर्ब कर देना है, और जितनी आप बार बार मसाज करोगे तो क्या हो जाती है, स्किन हमारी गर्म हो जाती है, क्योंकि जब बार बार मसाज करते हैं तो हथेली से भी हीट निकलती है, स्किन गर्म हो जाती है, और जो क्रीम होती है ना वो ही मेल्ट हो जाती है, ऐसी स्वेटिंग से होने लग जाएगी जैसे पानी सा निकलता है। तो सबसे अच्छी जो है पहचान करने का तरीका होता है कि फेशियल किट लेके आते हैं कि कैसे पता करें कि वो सबसे अच्छी किट है या क्रीम उसके अंदर अच्छी है, तो जब भी आप क्रीम के अंदर जो फेशियल के अंदर क्रीम आती है
उसको आप बिना पानी के लगाए मसाज जब करते हो लगातार 5-7 मिनट, तो वो मेल्ट हो जाती है बिल्कुल स्किन के अंदर, हाथ हमारा बिल्कुल चिकना ऐसा स्वेटिंग से होने लग जाती है। इट मीन्स वो क्रीम आपकी बहुत बड़ी अच्छी है। अगर वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और हमें लगे कि हमारा तो हाथ ही नहीं चल रहा, वो तो सारी सूख गई और हमें पानी लेना पड़ता है, तो इट मीन्स वो कम यूजफुल, आप ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद हमारे प्रेशर पॉइंट आते हैं, तो सबसे पहले हम प्रेशर पॉइंट की बात करेंगे, चिन से ही हमारी बात करेंगे। तो ये भी हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, पूरा हम ईयर तक जाएंगे, ये वाला जो एरिया होता है पूरा ईयर तक, इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए और पूरे ईयर तक जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चिन एरिया आता है, तो चिन एरिया और चिक्स का जो है बीच का भाग आता है ये, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और हमारे ईयर तक जाएंगे। उसके बाद चिक्स के ऊपर आएंगे, चिक्स के ऊपर हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रेशर पॉइंट होते हैं हल्का दबाव देके, ठीक है इस टाइप से। उसके बाद आते हैं आईज के दोनों बीच में, नोज के बीच वाले पार्ट, सेंटर वाला पार्ट होता है यहाँ पे प्रेशर पॉइंट, इसको हम इस टाइप से प्रेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है ये वाला, क्योंकि स्ट्रेस सबसे ज्यादा इसी से कम होता है। ठीक है, जब देखो ज्यादा हम पढ़ाई भी कर लेते हैं या किसी चीज में ज्यादा ध्यान लगा के कोई काम करते हैं तो यहाँ पे पेन होने लग जाता है हमारा, है ना, तो ये सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट होता है ये वाला। इसको आप नॉर्मली घर पे बैठे बैठे भी जैसे स्टडी कर रहे हो लगातार, आप एग्जाम टाइम में बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए दबा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आईब्रोज, ठीक है, नोज के दोनों साइड यहाँ पे प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड छोड़ेंगे 3-4 सेकंड, फिर हल्का सा उठाएंगे, उसके बाद फिर प्रेस करेंगे 3-4 सेकंड छोड़ेंगे, फिर उसको रिलैक्स करेंगे, कम से कम 3-5 बार आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं टेम्पल पॉइंट, इसको टेम्पल पॉइंट बोलते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे 5-7 बार, आप जितने टाइम आप कर सको कर सकते हो, 5 या 7 बार 3 बार इसको कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे प्रेशर पॉइंट, मेन तो ये होते हैं चिन वाला, ये हो गए नोज के दोनों साइड हो गए, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट हो गया, आईब्रोज के ऊपर हो गए और हमारे टेम्पल एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ईयर वाला पार्ट, ईयर के अंदर भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, सबसे ज्यादा रिलैक्स हमें होता है जब ईयर की कोई मसाज करता है, और जब फेशियल किसी का करो तो ईयर के प्रेशर पॉइंट जरूर प्रेस करने चाहिए। सामने वाले को जितना फेशियल में रिलैक्स नहीं होगा ना, उतना सिर्फ ईयर की मसाज प्रेशर पॉइंट करने से उससे डबल रिलैक्स होता है उसको। ठीक है, तो ईयर के दोनों साइड ऐसे करेंगे, हाथ को जब लेंगे मसाज करेंगे तो ईयर को बीच में दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे लेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, तो इससे क्या होगा पूरी हमारे जितने प्रेशर पॉइंट होते हैं ये पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो हमारे ऊपर नीचे होते हैं ये, इनको भी हम प्रेस करेंगे पूरे ईयर को। प्रेशर पॉइंट हमारे उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मसाज करने से फायदा नहीं होगा चाहे कितनी मसाज कर लो आप, मसाज करने से होगा कि थोड़ी सी धूल मिट्टी गंदगी है वो क्लीन हो जाएगी आपकी, लेकिन जब तक स्किन के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज नहीं होगा तब तक तो हमें रिलैक्स ही नहीं मिलेगा, और रिलैक्स नहीं मिला तो फिर फेशियल मसाज करवाने का कोई फायदा नहीं है, है ना। और हमारे प्रेशर पॉइंट हर जगह बॉडी के अंदर कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारे हाथों के अंदर होते हैं, पैरों के अंदर होते हैं, तो ये सारे प्रेशर पॉइंट पूरी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, कोई माइंड से कनेक्ट है, कोई हमारे हार्ट से कनेक्ट है, कोई लंग से कनेक्ट है, है ना, तो सारे प्रेशर पॉइंट हमें दबाने चाहिए, प्रेस करने चाहिए, और बिना उसके फेशियल इनकम्प्लीट होता है। फेशियल करें तो ही प्रेशर पॉइंट दबाएं, अगर आपको वैसे रिलैक्स करना है तो आप विदाउट क्रीम विदाउट उसके भी प्रेशर पॉइंट दबा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिर के अंदर भी प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे, अगर हम हेड मसाज करते हैं मान लो, तो हेड मसाज करते टाइम भी प्रेशर पॉइंट हमें दबाने हैं, सेंटर एरिया से लेके यहाँ से दबा के ले जाना है और आगे से स्टार्ट करना है यहाँ से और हम से दबाते हुए पूरा नेप एरिया तक, ये हमारा नेप एरिया होता है। ठीक है, थंब से दबाते जाने हैं और इनसे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट पड़ेगा लेकिन ज्यादा पड़ता है हमारे थंब से, इस साइड से दबाते जाना है। ठीक है, आगे जब हम करते हैं तो जो हेयर लाइन हमारी जो होती है, हेयर लाइन किसको बोलते हैं, जहाँ से
जो लाइन दिखती है ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम दबा सकते हैं ये लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमें पूरी ये लाइन कवर करनी है। अब आगे तो हमने इन वाली फिंगर से कर दिया, क्योंकि थंब से करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अनकंफर्टेबल होगा। आगे वाले एरिया पे करेंगे आगे वाली फिंगर से, इस टाइप से। जब यहाँ तक आओगे ईयर तक, फिर हम यूज करेंगे थंब का, यहाँ पे हम थंब को चेंज कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और नीचे तक नेप एरिया तक थंब से दबाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत होती है तो थंब से दबाते हुए हम अगर नीचे तक जाते हैं इस टाइप से, तो हम पूरा गर्दन के ऊपर थंब से ये वाला एरिया दबा सकते हो। ये सर्वाइकल के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइकल जिनको होता है ना उनके गर्दन में यहाँ बड़ा पेन होता है, गर्दन उनकी जकड़ जाती है बिल्कुल, तो यहाँ पर जो नसें होती है ना उनको हमें रिलैक्स करना जरूरी है, ठीक है, स्ट्रेचिंग उनको कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये तो मैंने हेड ये वैसे बता दिए, मतलब मेन तो हमारे जो फेस के थे वो सब जगह कनेक्ट होते हैं, उसी से रिलैक्स होता है। आगे समझ में? Yes.